नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु प्रताप सिंह। सी लैंग्वेज के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टोरेज क्लासेस को देखा था। स्टोरेज क्लासेस के कंटिन्यूशन में ही ये अगला वीडियो है। जो फ्रेंड्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद इसको देखें तो ज़्यादा समझ में आया था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं और स्टोरेज क्लासेस से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ये तो आइए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। दोस्तों, स्टोरेज क्लासेस इन सी decides the part of storage to allocate memory for the variable. Storage classes क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे keyword होते हैं जो variable को memory allocate करने के लिए helpful होते हैं, और ये बताते हैं कि इसका it also determines the scope of a variable, कि इसका scope कहाँ तक है, कौन कौन से फंक्शन से इसको यूज किया जा सकता है। द स्टोरेज क्लासेस ऑफ अ वेरिएबल इन सी डिटरमाइंस द लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल दैट इज ग्लोबल और लोकल। स्टोरेज क्लासेस ये भी डिसाइड करते हैं कि जो वेरिएबल है हमारा, उसका लाइफ टाइम क्या है, थ्रू आउट पूरे प्रोग्राम की लाइफ के बराबर चलेगा या उससे पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो इसके लिए ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी। इसके लिए हम लोगों को एक टेबल देखना होगा, जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। स्टोरेज क्लासेस, ये हमारे स्टोरेज क्लासेस होते हैं। पहला होता है ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, स्टैटिक एंड रजिस्टर। अब क्या होगा अगर हम कोई स्टोरेज क्लास डिक्लेयर करते हैं किसी भी वेरिएबल को, तब दोस्तों हम यहाँ पे हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में कि कोई किसी भी वेरिएबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे नॉर्मल अगर वेरिएबल डिक्लेयर है तो ये तीन प्रॉपर्टीज़, इसके बाद इसकी ये चारों प्रॉपर्टीज़, ये चारों प्रॉपर्टीज़, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, स्टोरेज एरिया, लाइफ, स्कोप, ये सभी हम बता सकते हैं इस स्टोरेज क्लासेस कीवर्ड के हेल्प से। तो देखते हैं कौन सा स्टोरेज क्लास क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, किस तरह का रहेगा, उसको चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों, अगर स्टोरेज क्लास हमारा ऑटोमेटिक है, मीन्स ये जो वेरिएबल हमने लिया है इंट, यहाँ पे मैं फिर से एक दूसरा बना देता हूँ, इसको क्लियर कर लेता हूँ। ये जो हमारा वेरिएबल है इंट, इसके आगे अगर यहाँ पे ऑटो कीवर्ड लगा हुआ है, ऑटो
अगर ये ऑटो कीवर्ड लगा हुआ है तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगी। ऑटोमेटिक टाइप का वेरिएबल होगा, पहली बात। स्टोरेज क्लास हमारा ऑटोमेटिक रहेगा, कीवर्ड ऑटो यूज करेंगे। डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू मतलब मींस ये होता है कि अगर हम इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखेंगे आप लोग, यहाँ पे हमने 10 असाइन कर रखा है। अगर हम इसको 10 असाइन नहीं करते हैं तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, ये हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहलाता है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी गार्बेज होगी। स्टोरेज एरिया, मेमोरी इसको कहाँ मिलेगा, मेमोरी रैम में मिलेगा, रैम में एलोकेट होगा। लाइफ इसकी क्या होगी, टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ द ब्लॉक इन विच दे डिक्लेयर्ड। आइए इसको समझ लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे कोई एक कर्ली ब्रैकेट है, ये एक कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, इंट बी। तो इस बी को ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज होने तक ही हम लोग यूज कर सकते हैं, इसके अंदर ही हम लोग यूज कर सकते हैं, चाहे ये ब्रैकेट फंक्शन का हो या चाहे ये ब्रैकेट हमने बीच में ऐसे ही लगा दिया हो। तो ये इस कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होके इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में ही इसकी लाइफ होगी। इसके बाद बाहर अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये यूज़ नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो इसकी लाइफ होगी। लोकल स्कोप, इसका स्कोप क्या होगा, लोकल या ग्लोबल। तो लिमिटेड टू द करेंटली ब्लॉक इन विच दे डिक्लेयर्ड, तो ये उसी ब्लॉक में लिमिटेड होता है, यानी कि इसका स्कोप हमारा लोकल होता है, ग्लोबल नहीं होता है। ये उसी ब्लॉक में लिमिटेड रहता है जिस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये डिक्लेयर किया गया है, उसके बाहर इसे यूज नहीं किया जा सकता। एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे int a equals to 10, एक ब्रैकेट ले लेते हैं यहाँ पे, इसके अंदर डिक्लेयर करते हैं int b equals to 20 और इसके बाहर यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। लेसन ए इक्वल्स टू परसेंट डी, ए की वैल्यू प्रिंट होगी, स्पेस लेसन बी इक्वल्स टू परसेंट डी, बी की वैल्यू प्रिंट होगी, कॉमा ए बी। अब हम इसको रन करते हैं, ये देखिए एरर आ गया। यहाँ पे एरर देखिए, B is assign a value that never used. First error means यहाँ पे इस ब्लॉक में हमने B use किया हुआ है, वो एक वैल्यू असाइन कर रहा है ये, बट इसको हमने कहीं यूज़ नहीं किया है। और सेकेंड एरर क्या बता रहा है, ये सिंबल B undefined सिंबल B। सेकेंड एरर इस लाइन पे ये बता रहा है कि जो बी सिंबल है ये अनडिफाइंड है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो हम लोग यहाँ से अगर बी को हटा दें तो प्रोग्राम हमारा रन करेगा। रन करते हैं, ये देखिए ए इक्वल्स टू 10, ए की वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई। अगर बी को हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं इसी ब्लॉक में तो ये प्रिंट होगा,
ये देखिए बी की वैल्यू यहाँ पे आपकी 1 ये बी की वैल्यू आ गई और नीचे ए की वैल्यू आ गई, ये प्रीवियस वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ और, यहाँ पे हमने कोई कीवर्ड ही नहीं डिसाइड किया हुआ है, कोई कीवर्ड ही हमने नहीं बताया हुआ है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर किसी वेरिएबल को हम ऑटो डिक्लेयर करते हैं, उसके आगे ऑटो कीवर्ड लगा के डिक्लेयर करते हैं, तब तो वो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का है। लेकिन अगर ऑटो कीवर्ड लगा के डिक्लेयर नहीं करते हैं तब भी वो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का है। अगर हमने सिर्फ इंट ए इक्वल्स टू 10 लिखा है, कोई स्टोरेज क्लास का कीवर्ड नहीं लगाया है, देन बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का ही होता है। यानी कि अब तक हम लोग जो भी वर्किंग करते आ रहे थे, जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए आ रहे थे, वो किस तरह का था? ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का ही डिक्लेयर करके हम लोग आगे वर्किंग कर रहे थे। तो ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, रजिस्टर। रजिस्टर स्टोरेज क्लास अगर हम डिक्लेयर करते हैं, अगर हमने इंट वेरिएबल के आगे यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे रजिस्टर लगा रखा है कीवर्ड, तब क्या होगा? यहाँ पे इसका कीवर्ड रजिस्टर ही यूज़ होगा और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी भी गार्बेज ही होती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज। स्टोरेज एरिया, स्टोरेज एरिया सीपीयू रजिस्टर, इसका स्टोरेज एरिया सीपीयू का रजिस्टर होता है। सीपीयू रजिस्टर थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। आइए दोस्तों, क्या होता है जब हम लोग कोई भी वर्किंग करते हैं, कोई भी मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो वो रैम में, यहाँ पे जैसे हमने कोई भी एक प्रोग्राम बनाया और उसके लिए कोई एक मेमोरी एलोकेट की, तो वो क्या होता है, रैम में जाके अपने लिए एक स्पेस बना लेता है। ये रैम है। सपोज हमने एक यहाँ पे वेरिएबल दिया इंट ए, इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं, ये हमने एक वेरिएबल ले ली। तो ये क्या होगा, मेमोरी में यहाँ पे एक अपने लिए ब्लॉक क्रिएट करेगा रैम में, यहाँ पे नॉर्मली अगर हमने इंट ए ले रखा है तो, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 और इसका नेम हो जाएगा ए, और इसके बाद क्या होता है, ये हमारा सपोज सीपीयू है, प्रोसेसर सीपीयू, तो दोस्तों ये हमारा सीपीयू है। और जैसे ही हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये मेमोरी रैम में यहाँ एलोकेट हुआ है, वैल्यू यहाँ से फेच होके सीपीयू के पास आती है, देन इस पे वर्किंग होता है, इस पे कोई भी टास्क परफॉर्म होता है। ये वैल्यू फेच होके सीपीयू में आएगा और देन सीपीयू उस पे अपना टास्क परफॉर्म करेगा। सपोज मान लीजिए यहाँ से वैल्यू को फेच होने हो के सीपीयू में आने में 5 सेकंड लगते हैं, 5 सेकंड। और सीपीयू जब उस पर टास्क परफॉर्म कर रहा है, टास्क परफॉर्म करने में इसको 1 सेकंड लगता है,
वन सेकेंड। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, वैल्यू को फेच करके लाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है और इस पे टास्क ऑपरेशन परफॉर्म करने में टाइम कम लग रहा है। तो इसके लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है रैम में, इसको अगर हम सीपीयू रजिस्टर में ही डिक्लेयर करें, सीपीयू रजिस्टर, तो इसको सीपीयू रजिस्टर में ही अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से फेच होके यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम हमारा सेव हो जाएगा और एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर कीवर्ड यूज़ करते हैं, रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस का कीवर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे रजिस्टर। तो ये सीपीयू रजिस्टर में मेमोरी एलोकेट करता है। लाइफ, लाइफ इसकी भी सेम होती है, टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ द ब्लॉक इन विच दे डिक्लेयर्ड, यानी कि जिस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा सिर्फ उसी के अंदर इसकी लाइफ होगी, उसके बाहर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्कोप, स्कोप इसका भी सेम होता है, ये उसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर यूज़ किया जा सकता है, उसके बाहर यूज़ नहीं किया जा सकता, उसके बाहर वो डिस्ट्रॉय रहता है इसलिए वो यूज़ नहीं किया जा सकता, एरर आ जाता है। नेक्स्ट थर्ड स्टोरेज क्लासेस है स्टैटिक, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को शेयर करिए, देखिए, लाइक करिए, और जो भी इसमें अगर कुछ खामियां नज़र आती हैं तो उसके लिए आप लोग मेल कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए। थैंक यू।